नमस्कार दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जो अपना पहली जो ड्रग है वो अपनी है अगरू। आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके हल्के नोट्स हो सकते हैं, बन जाएंगे जी बिल्कुल। तो सबसे पहले अपन अगरू की बात कर रहे हैं, जिसमें अपन अगरू के कोड की बात अपन ने कर ली थी, जो कि 523 है, 523 जी हाँ। तो सबसे पहले अगरू के गण की बात करते हैं कि कौन से गण से जो है अगरू बिलोंग करता है। तो अगरू का गण जो होता है वो शीत परसमन होता है। इसके अलावा ये स्वासहर में भी आता है। गण मतलब होता है एक ऐसी ड्रग्स का ग्रुप जो इस प्रकार का काम करे। तो मतलब शीत परसमन की अगर हम बात करेंगे तो और भी काफ़ी ड्रग्स अपने को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो एक की इसमें आपको मैं बता दूं, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और देख लीजिए कि जो अगरू जो है वो चरक ने बताए थे स्कंद के बारे में बात की थी कि 6 रस होते हैं, तो उसने 6 स्कंद बताए थे। तो अगरू जो है वो तिक्त स्कंद जो होता है उसमें आता है। तो चरक के स्कंद है, आप चरक संहिता में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको यहाँ पे देख लेंगे। तो तिक्त स्कंद में जो है वो अगरू आता है जी हाँ। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, दूसरी बात करते हैं कि अगरू का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है, या फिर जिसको अपन लेटिन नेम भी बोलते हैं, बोटेनिकल नेम, या फिर अपन लेटिन नेम जिसको अपन बोल देते हैं जी हाँ। तो अगरू का बोटनिकल नेम की अगर हम बात करते हैं तो एक्वेलेरिया एगलोचा, एक्वेलेरिया एगलोचा होता है बोटनिकल नेम जी हाँ। तो और इसकी जो फैमिली होती है, फैमिली जो होती है वो थाइमिलेसी, थाइमिलेसी फैमिली होती है, ठीक है। अपन अगरू की बात करें तो जी हाँ, फैमिली मतलब कुल होता है, ठीक है। और बोटनिकल नेम लेटिन नेम एक ही बात है। तीसरा जो अपन पॉइंट देखते हैं सिंपली, तो तीसरा जो अपना पॉइंट रहेगा वो है पर्याय, मतलब अगरू के पर्याय कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन वही पर्याय देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हो, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिख लेंगे, तो दो चार देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अगरू का, अगरू तो बोलते ही हैं, इसका पर्याय होता लो है। लोह इसलिए होता है क्योंकि ये थोड़ा हैवी होता है, भारी होता है, इसका वजन होता है, ये पानी में डूब जाता है, डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, भारी होता है, इसलिए इसको लोह बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड जो पर्याय है वो है कर्मीज, कर्मीज। तो कर्मीज का मतलब होता है कर्मी के, जय का मतलब होता है जन्म लेना, और कर्मी मतलब जो कर्मी है। तो कर्मियों के कारण जो जन्म ले उसको अगरू, मतलब उसको अगरू बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम कर्मीज है। कर्मी है, यहाँ पे फंगस की बात हो रही है कि एक फंगस होती है जो इसके पेड़ में रहती है, उसकी वजह से जो है हो जाता है, बाकी उससे इसमें सुगंध वगैरह आती है, ठीक है। तो ये हो गया कर्मीज, ठीक है। इसके बाद एक और नाम होता है, ये इसी के साइड में आप लिख सकते हो, कर्मीज गद्ध, फंगस होती है जो इसके पेड़ में रहती है, और फिर उससे क्या है, ऐसे ग्रंथि बनती है, तो उससे जो है उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आप इतना ही बहुत है, इतना देख सकते हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है ईगल वुड भी इसको बोलते हैं, ईगल वुड, आप इतने याद कर लीजिए, 2 से 3, ठीक है। इसके बाद अपन जो अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा इसका स्वरूप, स्वरूप
स्वरूप में कुछ अपन ज़्यादा नहीं देखेंगे, बहुत नॉर्मली अपन सिंपल चीज़ें ही देखनी है अपने को, जैसे इसकी ऊंचाई क्या है, तो अपन जनरली भूल जाते हैं, ठीक है, तो ऊंचाई वगैरह भूल जाते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ, जैसे 60 to 70, 60 to 70 फीट की इसकी ऊंचाई होती है, पेड़ की ऊंचाई होती है 60 to 70 फीट। अच्छा, इसके बाद अपन बात करते हैं इसके जो पत्र जो होते हैं, पत्रों की बात करते हैं, आप देख सकते हैं, और जैसे इसके कांड की भी बात आएगी, तो इसके जो कांड का जो त्वक होता है, स्टेम की जो कांड, तो जो पतली होती है, जो स्किन होती है, या फिर जिसको अपन बार्क बोलते हैं, वो पतली होती है। पतली कितने, जैसे अपन भोजपत्र का होता है ना, भोजपत्र का बहुत पतला सा पत्र होता है, उतनी जो है पतली इसकी त्वक होती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो अपने को लिखनी होती हैं, ठीक है, और इसके पत्र भी पतले ही होते हैं। पत्रों की अगर हम बात करें तो पत्र जो होते हैं वो भी पतले होते हैं और थोड़े नुकीले होते हैं, पत्र नुकीले होते हैं, नुकीले मतलब जैसे भालाकार जिसको अपन बोलते हैं, भाले की तरह होते हैं, भालाकार नुकीले होते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे पत्र के बाद अपन ने बस थोड़ी थोड़ी दो दो बातें देखनी है इनके बारे में। पुष्प की अपन बात कर लेते हैं, पुष्प की अपन बात करते हैं कि श्वेत पुष्प होते हैं, श्वेत, ठीक है। ये बातें बहुत दिनों तक, अब बहुत देर तक याद नहीं रख पाते हर पेड़ की, इसलिए अपन इतनी ज़्यादा इसको डीपली नहीं देख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि ये अपन ने बता दिया कर्मीजगत का क्या कारण था, कि ये फंगस रहती है इसके अंदर, वो ग्रंथि वगैरह बनाती है, तो उसकी वजह से जो है वो ये इसकी उत्पत्ति हो जाती है, इसमें सुगंध वगैरह आती है। जी हाँ, नॉर्मल बात है, ज़्यादा इसको डीपली नहीं लेना, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान, ठीक है, उत्पत्ति स्थान की अपन बात करते हैं, तो उत्पत्ति स्थान में आसाम, मणिपुर, ठीक है, तो ये अपन देख लेते हैं। इंटरनेशनल अपन बात करें, सुमात्रा इंडोनेशिया की तरफ है, ठीक है, तो ये अपन उत्पत्ति स्थान छोटी सी बात कर ली। बाकी मैंने आपको बताया था कि आपको अगर याद नहीं रहता उत्पत्ति स्थान, तो उसको आप संपूर्ण भारत कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जाति की। तो जाति मतलब किस किस की प्रजातियाँ, कौन सी प्रजातियाँ जो है गुरु की जो है अलग अलग स्थानों पे अपने को मिलती हैं, उसको बोलते हैं। अब ये बात अगर हम उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं, तो ये भी जैसे चिकित्सक के लिए क्यों ज़रूरी है कि अपने को पता हो कि कौन सी औषधि वहाँ पे अवेलेबल होगी या नहीं होगी, अगर हम किसी को परामर्श दे रहे हों तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए। बाकी मेडिसिनली अगर बात करें, जाति जो है अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसका क्वेश्चन बनता है, बाकी उत्पत्ति स्थान का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, वो तो अपन उसमें लिख ही देते हैं, ठीक है। तो जाति अपने को राज निघंटू में देखने को मिलता है, राज निघंटू ने बताया इसको, है ना, इसकी जाति जो अपन देखें किसके अनुसार, राज निघंटू के अनुसार अपन देखेंगे, तो इसकी चार जातियाँ बताई हैं राज निघंटू ने, कितनी, चार बताई हैं, ठीक है। तो पहली कौन सी हो जाएगी, पहली जो है वो है कृष्णाग्रु, कृष्णा गुरु, और सेकंड जो है वो काष्ठ गुरु, थर्ड जो है वो अपन देख रहे हैं दाह गुरु, और फोर्थ जो है वो है मंगल्या। मंगला गुरु, तो ये चार जातियाँ जो है वो अगुरु की बता रखी हैं, और ये जो मंगला गुरु इसके अंदर जो है इसको सर्वश्रेष्ठ बताया, ठीक है। तो ये इसकी जाति की बात हो गई, अपने को सिर्फ इतने ही पढ़ने हैं, बाकी औरों ने भी किए वेद, वो जरूरी नहीं है, ये राजनिघंटू के आपने सिलेबस में आता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसकी चार जातियाँ अपन ने देख ली, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट होता है
अगला पॉइंट होता है वो अपना होता है रासायनिक संगठन का। जिसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से रासायनिक तत्व हैं? जी हाँ, तो इसके अंदर जितने भी होते हैं, इस फिलहाल तो आप सिर्फ इतना याद कर सकते हो, इसके अंदर एक जो मैन है वही आप देख सकते हो, मैंने पहले ही बताया था, सेस्क्विटर्पीन एल्कोहल। एंड सम एसिड्स, कुछ इसके अंदर अम्ल भी पाए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली याद है तो इतना बहुत है, याद नहीं है तो आप इसमें जैसे ओलियो रेजिन्स लिख सकते हो, ओलियो रेजिन्स लिख सकते हो, उड़नशील तेल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके रासायनिक संगठन हो गए, नोट्स में आप इतना ही लिखिए। जी हाँ, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले पॉइंट अपना। अगला पॉइंट रहता है अपना जो रस गुण वीर्य विपाक अपन ने देखे, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने गुण की बात कर देखनी है। तो गुण की अगर हम बात करें तो गुणों में अपने पास कौन कौन आ रहा है? लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण, ये तीन अपने पास में गुण हो गए। अच्छा, इसके बाद में रस जो है वो आता है कटु या तिक्त। तो अपन बात करेंगे, अपन ने 523 की बात की थी, इसका कोड जो था वो 523 था, और जो पहला जो था वो रस को इंगित कर रहा है, तो ये तिक्त को उसको वहाँ पे कर रहा है। ये पॉसिबल नहीं है कि अपन 423 523 दोनों कर दें, इसमें से अपने को एक को प्रधान मान के चलना पड़ता, तो अपन ने तिक्त याद किया। आप कटु भी याद रख सकते हो, और इनमें ज़्यादा वो भी नहीं होता, हो सकता है काफ़ी बार अपने से गलती हो जाए, तो तिक्त की जगह अगर कटु भी आप लिख के आ जाते हो तो भी 2 और 3 मतलब आपके वीर्य और विपाक जो है वो सही रहेंगे। ठीक है जी हाँ, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं वीर्य की बात कर रहे हैं। तो इसका जो वीर्य है वो उष्ण वीर्य होगा, और विपाक जो है वो होगा कटु विपाक। तो ये अपन ने बात कर ली, इसके गुणों की बात कर ली, रस की बात कर ली, वीर्य विपाक। जी हाँ, नेक्स्ट जो है अपना अगला पॉइंट है इसके कर्म। बुक में आप देखोगे बहुत ज़्यादा कर्म आपको मिलेंगे, अलग अलग आपको रक्त व संस्थान पे इसका क्या प्रभाव आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है, तो वो इतने ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि सभी के ये सब याद रह सके। तो कर्म अपन जनरली देखेंगे, सबसे पहले 200 पे क्या प्रभाव होता है। तो अपन ने ऊपर देखा था, इसके गण में देखा था कि ये श्वास हर होता है। श्वास हर मतलब जो रेस्पिरेटरी जो डिजीज होती हैं उनका ट्रीटमेंट करता है, श्वास हर होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज का ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, तो श्वास हर का मतलब अपन ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है कि कफ कफ जनक होती है और वात जनक होती है। तो ये क्या करेगा, इसको ठीक कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कफ वात हर। तो इसका ये कफ वात हर क्या हो जाएगा, ये इसका दोष कर्म हो जाएगा। तो ये अपन कोरिलेट कर सकते हैं, ये सभी के साथ ऐसा ही होता है। जी हाँ, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं और एक आध कर्म और देखते हैं इसका, कि शीत प्रशमन होता है, और इसके अलावा ये और भी अपन एक दो देखते हैं, कुष्ठगन भी होता है, लेप्रोसी वगैरह ट्रीटमेंट करता है, कुष्ठगन होता है, शीत प्रशमन, एक शीत प्रशमन हो गया। ठीक है, और वेदना स्थापन भी होता है इसका कर्म, वेदना स्थापन, पेन को ठीक करता है, वेदना स्थापन। तो वेदना किसकी वजह से होती है, वेदना होती है वात की वजह से, वेदना होती है और वात को क्या हरण करता है, इसलिए वेदना स्थापन हो जाएगा। ठीक है, वैसे अलग अलग तीनों वेदना ही होती हैं, जनरली जो वेदना होती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अपन ने देख लिए ये सब बातें अपन ने देख ली हैं। अच्छा, इसके बाद अपन बात करते हैं इसके नॉर्मल, लगभग सभी खत्म हो गए, पर
अगला पॉइंट जो अपना होता है, दसवां पॉइंट जो है वो है प्रयोज्य अंग, प्रयोजांग या फिर प्रयोज्य अंग जो भी है, इसका कौन सा पार्ट यूज लिया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले अपना जो कांड सार जो होता है वो यूज में लिया जाता है, और दूसरी चीज़ जो होती है इसका तेल यूज में लिया जाता है, जिसको अपन ओलियो रेजिन्स जैसे आप बोल रहे हैं, तो ओलियो रेजिन्स जो है वो यूज में लिए जाते हैं इसके, ओलियो रेजिन्स। जी बिल्कुल, अब अपन बात कर रहे हैं ओलियो रेजिन्स की बात अपन कर रहे हैं, तो ये अपन यहाँ पे देख रहे हैं ओलियो रेजिन्स। तो इसमें जो है ओलियो रेजिन्स यूज़ में ले गए जो तेल था वो, तो इसके प्रयोजांग अपन ने देखा। इसके बाद में मात्रा, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, तो मात्रा अगर अपन चूर्ण ले रहे हैं, चूर्ण इसका ले रहे हैं, तो अपने को 1 से 3 ग्राम अमाउंट में लेना है। और अगर हम तेल ले रहे हैं, तेल लेना है 1 से 5 बूंद, ठीक है। तो ये हो गया चूर्ण हो गया, और ये तेल की मात्रा हो गई। और विशिष्ट योग की अगर हम बात करें,